शांति का संदेश कितना महत्वपूर्ण है। ये जो एग्जीबिशन लगाई गई है 25 दिनों तक यहाँ चलने वाली है। निकोलस रॉरिक जो थे वो प्री इंडिपेंडेंस हिमाचल प्रदेश में आए, देश में आए। 1928 में वो नगर में अपने आप को, उन्होंने अपनी रिहाइश को बनाया। उनका जो अटूट प्रेम था, वो जो इंडियन कल्चर है, हिंदू संस्कृति है, उस संस्कृति के प्रति था। वो एक राइटर थे, पेंटर थे, और जितने भी सेंट्रल एशिया की देश थे उन सब जगह जाने के बाद, जब यातायात के इतने बड़े साधन नहीं हुआ करते थे, आप देखिए उनकी लगनशीलता देखिए कि सारी जगह गए वो, और अपनी पेंटिंग से उन्होंने हिमालय का व्याख्यान किया। किस तरह से वो उस समय आए 1928 में मनाली में, किन रास्तों से, खच्चरों से, घोड़ों से होते हुए आए, रशिया से चले, एक संपन्न परिवार से थे, फादर उनके एडवोकेट वकील थे, माता एक व्यापारिक फैमिली परिवार से थी, निकले, उनके बच्चों ने यहाँ इंडिया में शादी की, फेमस हीरोइन देविका रानी जी से उनकी बेटे की उनकी मैरिज हुई। और ये हिमाचल के लिए सौभाग्य की बात है कि उन्होंने हिमाचल के कुल्लू के नगर को अपना घर माना, और एक संदेश अपनी पेंटिंग के माध्यम से उन्होंने पूरे विदेश और पूरे देश में देने की कोशिश की है। एक महान पेंटर थे और एक महान दार्शनिक थे। हम उनको आज इस प्रदर्शनी पर, मैं उनके जो उस समय उन्होंने जो पेंट किया है उसको देखने के लिए आया हूँ और उसका उद्घाटन करने के लिए आया। सर, हम भी इनके लोगों से, जो ऑर्गेनाइजर हैं, से उनसे बातचीत कर रहे थे। उन्होंने इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के साथ संबंधों का रेफरेंस बताया, रॉरिक पैक्ट की बात की, जहाँ से भारत और रशिया के संबंधों की एक मधुर शुरुआत होती है। आज के संदर्भ में जब हम देख रहे हैं रशिया यूक्रेन वॉर भी चल रहा है, उनकी जो शांति का संदेश है वो कितना महत्वपूर्ण है और भारत की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण रह सकती है? देखो, भारत और रशिया अभी से दोस्त नहीं है। जब भी भारत पर विपदा आई, रशिया ने हमेशा भारत का साथ दिया और हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। हमारी और उनकी एक संस्कृति एक जैसी है, विचारों की सोच एक जैसी है, और हम जहाँ जब हम विकसित हो रहे हैं धीरे धीरे, उसमें हमारे रशिया का भी बहुत बड़ा योगदान है, विकास में हमें सहयोग करते हैं। तो हमारी दोस्ती सदियों पुरानी है, और उस सदियों पुरानी का एक उदाहरण 1928 में, जब प्री इंडिपेंडेंस के समय उनका ये प्यार ही था जो यहाँ हिमाचल खींच कर लाया, यही मैं कहना चाहता हूँ। और इस जो रॉरिक ट्रस्ट है, इसको हम और स्ट्रेंथनिंग करेंगे, इसमें जो कुछ हो सकता होगा उसको हम करने की सरकार की तरफ से भरपूर सहयोग करेंगे। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी इस तरह से देखते हैं चुनाव के मद्देनजर, जो आपने एक सिंबॉलिक अपील की थी उसके मद्देनजर चुनाव के साथ इसको जोड़ के, कि जो कांग्रेस पार्टी है वो पहले वादा करती है, बाद में कहती है। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, मैं जो भी काम कर रहा हूँ वो 2027 में हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर कैसे बने, और 2032 में हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य बने, मेरी आप पहले दिन से स्टेटमेंट रखो। और दूसरा, जो ये कहा जा रहा है कि फाइनेंशियल मेस हो गया है, पैसे नहीं, ऐसा नहीं है, ये रिफॉर्म है। अगर हमने 2 महीने की सैलरी को रोक लगाई है तो इसलिए लगाई है कि हम सब लोगों को, समाज के सभी वर्गों को ये सोचना है कि हमें आने वाले समय में अपने आप को डिसिप्लिन करना है, अनुशासित करना है। ये एक ऐसी व्यवस्था 40 साल से चल रही है जिसमें सुधार करने की ज़रूरत है, और मैं सुधार कर रहा हूँ। और आपको मैं बताना चाहता हूँ,
इस सुधार से हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत तेजी से सुधार हो रहा है। और ये जो कर्जा बोलते हैं 85,000 करोड़ रुपए का कर्जा, तो इनके समय था 10,000 करोड़ की लाइबिलिटी भी थी। हमने तो कर्मचारियों को 7% की डीए की किस्त भी दी है, 4% इस बजट में, 3% और दिए। लेकिन अभी हमारी अर्थव्यवस्था तेजी पकड़ रही है, इसमें थोड़ी सी भी रुकावट आती है तो वो थोड़ा सा हमारा जो अर्थव्यवस्था में जो तेजी आई है उसमें कमी आएगी। तो मेरा यह मानना है कि इस प्रकार चर्चा करने की पता नहीं क्या हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सुधारात्मक कदम जब उठाते हैं तो इस प्रकार की स्थिति आती है। और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हमने जो वादे किए वो भी पूरा कर रहे हैं। अब 14-14 प्रकार की सब्सिडीज दी है। अब कई लोगों ने फ़ोन करके बोला कि हम अपनी बिजली की सब्सिडी को छोड़ना चाहते हैं क्योंकि हम 10-10 लाख रुपया इनकम टैक्स देते हैं। कई लोग बोलते हैं कि हम मुफ्त का पानी नहीं पीना चाहते, पर हमें पानी अच्छा दीजिए। तो उसमें उन्होंने हमको कम से कम 1,000 लोगों के मेरे फ़ोन आ रहे हैं हर जगह कि हम छोड़ना चाहते हैं, ये स्टेप अच्छे है। तो उस स्थिति को भी हम ठीक कर रहे हैं, फैसले कर रहे हैं और फैसले करके आगे बढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार बोलना कि फाइनेंशियल क्राइसिस है, ऐसा कोई बात नहीं है। और मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूँ, ये अपने आप को डिसिप्लिन करने के लिए हमने किया है। और जो खर्चे हैं वो खर्चे भी करने पड़ते हैं, अगर हम खर्चे नहीं करेंगे तो कैपिटल एक्सपेंडिचर ही नहीं होगा। अब जैसे बिल्डिंगों की रिस्टोरेशन